गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ पटेल दीक्षिता फ्रॉम अश्वमिक विद्यालय किला पारडी। फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 10, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। फ्रेंड्स, इन दिस यूनिट वी आर डिस्कस अबाउट स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। देन वी लर्न अबाउट हाउ वाइड इज दिस डेस्क, मीन्स हमने डेस्क का मेजरमेंट किया था। देन इन द लास्ट लेक्चर वी आर डिस्कस अबाउट सम मेजरमेंट लाइक फुटस्टेप, देन हैंड स्पून। ओके, बट हमने देखा था कि फुट स्टेप से या फिर हैंड पेन से हम प्रॉपर मेजरमेंट नहीं कर सकते। So today we are discuss about the next topic. It is standard unit of measurement. So जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे measurement जो जिससे कि standard measure हो सके, means वो change नहीं होता है। वो यहाँ suppose हमारा feet है, तो हमारा feet and दूसरे जो measure कर रहे हैं उनका feet अलग होता है, तो उससे क्या होगा, different measurement होगा। But ऐसे यूनिट्स है जिससे कि कोई भी मेजरमेंट करे तो मेजरमेंट चेंज नहीं होगा, मेजर चेंज नहीं होगा। तो ऐसे मेजर के यूनिट को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, इन एंसिडेंट टाइम्स द लेंथ ऑफ अ फुट, द विड्थ ऑफ अ फिंगर एंड द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप वेर कॉमनली यूज एज डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। द पीपल ऑफ द इंडस विलेज civilization must have used very good measurement of length because we see evidence in excavation of perfectly geometrical construction. So पहले के जो लोग थे वो बहुत ही अच्छे मेजरमेंट का यूज करते थे, बिकॉज हमारे पास जो जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही अच्छा है। ओके, सो फीट के लेंथ से या फिंगर से परफेक्टली डिस्टेंस नहीं दिया जाता, वो डिफरेंट यूनिट है। ओके, मेजरमेंट के अलग अलग यूनिट है। सो हमारे पास पहले से ही ऐसे मेजरमेंट थे जिससे कि हम परफेक्टली जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कर सकते थे। अ कबिट एज द लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप्स वॉज यूज इन एंसिडेंट इजिप्ट एंड was also accepted as a unit of length in other parts of the world. So, fingertips, elbow to the fingertips means fingertips से लेके elbow तक का जो length है उसे पहले के time में एक length का unit माना जाता था। कहाँ पे? Egypt में। So, short question पूछा जा सकता है, and other parts of the world, वहाँ पे भी वर्ड के अलग अलग पार्ट्स में उसे भी एक डिजिट माना जाता था। ओके, पीपल ऑल्सो यूज द फुट एज अ यूनिट ऑफ अ लेंथ इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। द लेंथ ऑफ द फुट यूज वेरिएट स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन। सो रीजन टू रीजन क्या होता है कि फुट की जो लेंथ है वो डिफरेंट होती है। पीपल मेजर्ड a yard of cloth by the distance between the end of the outstretched arm and their chin. The Romans measured with their pace or step. So अलग अलग जहाँ पे yard of cloth का जो yard है उसमें distance जो है वो किससे मेजर किया जाता था, आर्म से। ओके, आउटस्ट्रेच्ड आर्म से, देन रोमन में उनके स्टेप से। ओके, सो ऐसे अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से क्या होता था, मेजरमेंट होता था। देन इन एंशिएंट इंडिया स्मॉल लेंथ मेजरमेंट यूज वेयर एन अंगुल मींस फिंगर और अ मुट्ठी मींस फर्स्ट। तो इंडिया में क्या होता था कि फिंगर से क्या होता था, मेजरमेंट होता था, एंड जो
दूसरा मेजरमेंट था वो किसे होता था, मुट्ठी से, मींस फर्स्ट से. ओके, व्हेन टुडे वी कैन सी फ्लावर सेलर्स यूजिंग देयर फोर आर्म एज अ यूनिट ऑफ लेंथ फॉर गार्लैंड्स इन मैनी टाउन इन इंडिया. सो फ्लावर सेलर्स जो है वो अभी भी क्या यूज करते हैं, ओके, मुट्ठी का यूज करते हैं. Many such body parts continue to be in use as unit of length when convenient. So, अभी भी इंडिया में बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे ये यूज होता है, पहले का यूज होता है. However, everyone's body part could be of slightly different sizes. These must have caused confusion in measurement. So, इसकी वजह से क्या होता है, सभी के बॉडी पार्ट्स जो है वो थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, कंफ्यूजन होता है मेजरमेंट में. इन 1790 द फ्रेंच क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मैट्रिक सिस्टम. सो फ्रेंच ने क्या किया कि स्टैंडर्ड मेजरमेंट का यूनिट निकाला कब, 1719 में, जिसे क्या बोला जाता है, मैट्रिक सिस्टम. ओके, फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मली साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. द सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाउ यूज इन नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मीन्स SI यूनिट. ओके, सो SI मीन्स इंटरनेशनल यूनिट. ओके, द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज अ मीटर. ओके, लेंथ का SI यूनिट क्या है, मीटर. अ मीटर स्केल इज सोन इन फिगर नंबर 10.6, ऑल्सो सोन इन द 15 सेंटीमीटर स्केल इन योर जियोमेट्रिक बॉक्स. सो फ्रेंड्स, लुक एट हियर, इट इज अ स्केल. ओके, सो ये क्या है, एक जियोमेट्रिक स्केल है. ओके, सो ये स्केल जो है उसमें सेंटीमीटर में दिखाया गया है. ओके, सपोज 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, देन 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर. सो ये जो स्केल है वो सेंटीमीटर में है, तो ऐसा एकम क्या है, मीटर है. किसका, लेंथ का. ओके, इच मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन कॉल्ड सेंटीमीटर. ओके, सो एक मीटर कितने सेंटीमीटर में डिवाइड किया गया है, 100 सेंटीमीटर में. इच सेंटीमीटर हैज 10 इक्वल डिवीजन कॉल्ड मिलीमीटर. सो लुक एट हियर, 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के बीच में कितने मिलीमीटर्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, सो कितने मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर. ओके, means 1 meter is equal to 100 centimeter and 1 centimeter is equal to 10 millimeter. For measuring large distance, meter is not a convenient unit. We define a larger unit of length, it is called kilometer. Okay, km means kilometer. So, suppose हमें एक class का लेंथ देखना है तो हम उसे मीटर में देख सकते हैं, 8 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर. बट सपोज हमें दिल्ली से लेके मुंबई तक का जो लेंथ है वो देखना है, उसका डिस्टेंस देखना है, तो हम मीटर में नहीं देख सकते. तो इसे किस में डिफाइन किया गया है, लार्जर यूनिट को, किलोमीटर में. ओके, तो उसे क्या बोला जाता है, KM. सो 1 KM इज इक्वल टू 1000 मीटर. M means मीटर, M means मीटर, CM means सेंटीमीटर, MM means मिलीमीटर एंड KM means किलोमीटर. क्लियर दैट? सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. नाउ वी कैन रिपीट ऑल ओवर मेजरमेंट एक्टिविटीज यूजिंग अ स्टैंडर्ड स्केल एंड मेजर इन SI यूनिट्स. बिफोर वी डू दैट, we do need to know the correct way of measuring lengths and distances. So, ये जैसे हमने टेबल का लेंथ कैसे चेक किया था, हैंड स्पैन से.
एंड क्लास का लेग फीट से. ओके, सो फीट एंड हैंडस्केप का यूज नहीं करके हम किसका यूज करेंगे, एसआई यूनिट का. बट हमें तो पता ही नहीं है कि करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ क्या है, सो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज करंट मेजरमेंट ऑफ लेंथ. थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ.